दोस्तों, यूरिन टेस्ट इन्फेक्शन एक तरह का मूत्र संक्रमण होता है जिसके नतीजे गंभीर होते हैं। कुछ लोगों में यह परेशानी बार बार हो जाती है। ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से जानिए और आप भी उन लोगों की कैटेगरी से बिल्कुल बाहर हो जाइए। सबसे पहला नंबर है सेक्सुअली एक्टिव। यूरिन इन्फेक्शन का मुख्य कारण ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होना भी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं, कई बार असावधानी के कारण बैक्टीरिया उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो यूरिन ट्रैक्ट को बढ़ाता है। इससे बचने के लिए सेक्स के तुरंत बाद पेशाब जाना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश ना कर सके। 50 से ज्यादा उम्र। बुजुर्गों में, खास तौर से जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो जाती है, उनमें मूत्र संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब करने में तकलीफ होती है। पेशाब को ठीक तरह से ना निकल पाना बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिसके कारण यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है। रजोनी वृद्धि। एक शोध के मुताबिक जिन महिलाओं की रजोनी वृद्धि हो जाती है, उन्हें भी मूत्र संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। इसकी प्रमुख वजह एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर का कम होना होता है, जिसके कारण यूटीआई की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं को मेनोपॉज के बाद ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। प्रसव के बाद। महिलाओं में प्रसव के बाद 79% मामलों में पेशाब पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिसकी वजह पेल्विक यानी कि बच्चेदानी के नीचे का हिस्सा की मांसपेशियों का ढीला होना होता है। ऐसे अधिकांश मामलों में महिलाओं को छींक के साथ पेशाब रिसने की समस्या होती है, जिससे भी मूत्र संक्रमण की शिकायत हो जाती है। मधुमेह के रोगी। मधुमेह के रोगियों को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या आम बात है। मधुमेह के रोगियों को बार बार पेशाब जाने की शिकायत होती है, क्योंकि उनका ब्लैडर ठीक तरह से काम नहीं करता है। ये समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होती है। उनके मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया पहुंचना ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाने यूरिन संक्रमण के कारण। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सावधान हो जाइए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।